फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत छोटी सी एक रेमेडी लेकर आ गई हूँ। और आज की रेमेडी है एक्ने और ओपन फोर्स के लिए। जी हाँ, जिनके फेस पर ओपन फोर्स की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, यानी वाइट एक्ने, ब्लैक एक्ने बहुत सारे फेस पर हो जाते हैं, फेस बहुत भद्दा सा दिखने लग जाता है, अगर आप ट्रीटमेंट लेके थक चुके हो, तो फ्रेंड्स ये वाली रेमेडी यूज़ करना। इस रेमेडी से आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। बहुत अच्छी फ्रेंड्स रेमेडी है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड्स। और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल है ना उसे ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को तुरंत मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स रेमेडी की ओर। फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे हमारे ओपन फोर्स जो हो जाते हैं, जैसे ज़्यादातर ऑयली स्किन या नॉर्मल वाले स्किन वालों के भी हो जाते हैं, तो ओपन फोर्स को बंद करना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपने स्क्रब किया, अगर हमने ओपन फोर्स को नहीं बंद किया, तो इसमें क्या होता है, डस्ट भरती है। जब डस्ट इसमें भरती है तो हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए हमें अपनी स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले का जो ट्रीटमेंट है कि आपके जो ओपन फोर्स हैं उनको कैसे ठीक किया जाए, तो आपने क्या करना है, आधा चम्मच, बहुत छोटा वाला आधा चम्मच हल्दी का लेना है। आप तवे पे रखिए, गैस के ऊपर तवा रखिए, उसको थोड़ा सा गर्म करिए और हल्की सी उसे भूनिए। रोस्टेड करनी है और ब्राउन सी करनी है आपको हल्दी। जैसे हल्दी ब्राउन सी हो जाए, रोस्टेड हो जाए, उसको नीचे उतारिए और ठंडा होने पर उस पर एक चम्मच बेसन मिलाइए उसमें। और बेसन को आपने नहीं भूनना है, आपको सिंपल बेसन लेना है, एक चम्मच उसमें बेसन डालना है और उसमें गुलाब जल डालिए। रोज़ वाटर आपको उतना डालना है जितना अच्छा सा वो पेस्ट बन जाए। ये आपका बहुत अच्छा वाला फेस वॉश तैयार है, जो आपकी स्किन की एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको ओपन फोर्स की प्रॉब्लम है, उसको दूर करेगा फ्रेंड्स। तो आपने इससे अच्छे से 5 मिनट के लिए अपने फेस पर अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद मालिश सी करनी होती है, जैसे अच्छा सा रगड़ो। इसे रगड़ने के बाद अपने फेस को धो दो, नॉर्मल पानी से आपने धो देना है। और सेकंड ट्रीटमेंट आपने क्या करना है इसके बाद आपने क्या करना है, आधा टमाटर लेना है, उस टमाटर का अच्छा सा जूस निकाल लीजिए, पूरा अच्छा सा जूस निकाल लीजिए और उसमें मिलाइए आप एक चम्मच कच्चा दूध। जी हाँ, आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें एक चम्मच कच्चा दूध मिलाइए और उसमें थोड़ा सा आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाइए। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इन तीनों को अच्छे से मिक्स करके फ्रीजर में रख दीजिए। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाए, इसकी जो बर्फ़ है, मतलब जैसे हमारे पास आइस क्यूब होती हैं, आप आइस क्यूब भी बना सकते हो, तो ये अच्छे जब आइस बन जाए इसकी, तब आप इसको अपने फेस पर लगाइए। और जब तक लगाइए जब तक वो आपका आइस क्यूब बना हुआ जो बर्फ़ है पूरी ख़त्म ना हो जाए। इससे क्या होगा, जो आपके ओपन पोर्स है वो भी श्रिंक होंगे, आपकी एक्ने की प्रॉब्लम भी ठीक होगी और आपकी स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है ना फ्रेंड्स, वो भी ख़त्म होगा। जब एक्स्ट्रा ऑयल ख़त्म हो जाएगा तो आपकी स्किन की ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। आप इस जो मैंने ये रेमेडी बताई, आप इसको डेली फॉलो करिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी आज आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो। कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे अपने लवली कमेंट देकर जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।